दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे प्राणी के बारे में जिसे भूटान का नेशनल एनिमल माना गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ताकिन के बारे में। ताकिन जिसे नू गोट और कैटल शामोश के नाम से भी पहचाना जाता है और ताकिन ज्यादातर एशिया के हिमालयन माउंटेन्स के यहाँ पर पाया जाता है और ताकिन की चार प्रकार की उप प्रजाति पाई जाती है, गोल्डन ताकिन, भूटान ताकिन, मिशमी ताकिन और टिबेटन ताकिन। ताकिन एक शाकाहारी प्राणी है जो मांस का सेवन नहीं करते और ताकिन ज्यादातर लीव्स, हर्ब्स, पाइन बार्क्स और भी अन्य वेजिटेशन को कंज्यूम करते हैं। जंगलों में ताकिन का शिकार ज्यादातर लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बेयर, टाइगर, वुल्व्स और भी अन्य प्राणी करते हैं। वैसे तो ताकिन का शिकार ज्यादातर इंसान करते हैं उसका मांस और खाल के लिए, और वैज्ञानिकों के अनुसार ताकिन का क्लोजेस्ट रिलेटिव शिप को माना गया है। और जाइन पांडा की तरह ताकिन को भी चाइना का नेशनल ट्रेजर एनिमल माना गया है। फीमेल ताकिन जिसका प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 8 महीने का होता है और ठीक 8 महीने के बाद वह एक बेबी ताकिन को जन्म देती है और उस बेबी ताकिन को मैच्योर होने के लिए तकरीबन 2 साल लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ताकिन की लंबाई तकरीबन 5 फीट से लेकर 7 फीट तक हो सकती है और वेट तकरीबन 350 किलोग्राम तक हो सकता है। और जंगलों में ताकिन तकरीबन 18 साल तक ही जी सकते हैं, लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो वह 20 साल से भी अधिक जी सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।